बाड़मेर के पूर्व विधायक और भूतपूर्व मंत्री रहे अमीन खान ने शनिवार को राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने देश के हर मंदिर पर मुसलमानों का हक बताया है। उन्होंने कहा है कि देश के हर मुसलमान को आज ISI का एजेंट कहा जाता है और ये गलत है। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा और टीकाराम जूली मंच पर मौजूद थे। खैर आपको पूरी खबर बताते हैं, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूँ आपके साथ मनीष गौर। कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे और बाड़मेर विधायक अमीन खान ने कहा क्या है जरा आप सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे की खबर बताते हैं। अमीन खान ने कहा है कि देश के हर मंदिर में हमारा भी हक है। कांग्रेस मुसलमानों के सम्मान की रक्षा करने वाली पार्टी है और देश के मुसलमानों के लिए अब कांग्रेस का साथ देना जरूरी है। आपको बता दें कि बाड़मेर के सीओ विधानसभा से वे 5 बार विधायक रह चुके हैं और 2008 से 2013 की गहलोत सरकार की कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। अमीन खान ने कहा कि भाजपा आज राम और राम मंदिर की रट लगाए हुए है, लेकिन कहना चाहता हूँ राम और राम मंदिर ही नहीं, देश के हर मंदिर पर हमारा हक है और राम को मुसलमान भी मानते हैं। राम का मतलब खुदा और खुदा सबका होता है। इसके साथ इन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुसलमानों के आत्मसम्मान की रक्षा करने वाली पार्टी बताते हुए अमीन खान ने कहा कि कांग्रेस अकेली पार्टी है जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सम्मान की रक्षा करती है, इसलिए सार्वजनिक बयान जारी करके राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि अमीन खान पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस और अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। अमीन खान 2023 विधानसभा चुनाव में सीओ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए। उन्होंने अपने ही कांग्रेस पार्टी के जो बगावत करते हुए जिलाध्यक्ष फतेह खान से चुनाव हारा था वो तीसरे स्थान पर रहे और अमीन खान दूसरे स्थान पर रहे। यहाँ से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव जीता था। खैर ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।